दिल्ली की पावन धरा पार निकल पधारे सभी धाम का विधायक के सिस आज से तीन दिन का धाम आप सभी श्रीहमत कथा स्वयं करने के लिए पूज के भगवान के चय चल रहे हैं। स्वयं करेंगे आज कथा का प्रथम दिवस है। सब नाम हम आप सभी आज की प्रथम दिवस की आरती में प्रवेश करेंगे। हम आवाज करते हैं श्री मनोज तिवारी जी एवं उनका परिवार एवं हमारे बीच ऐसे ले 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 ले
नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका अपना शीतल पांडे, जैसा कि आप लोग समझते हैं, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में हमारे परम पूजनीय बागेश्वर धाम के प्रतिष्ठित आचार्य ग्रेटी शास्त्री की पावन कथा चल रही है। इस कथा से भक्तों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। मैं आरएम टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आरएम टीवी के जितने दर्शक हैं जो इसको देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका उज्ज्वल भविष्य हो। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ इस कथा में आएं और इस कथा को सफल बनाएं। आप सबको आपका अपना शीतल पांडे, जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। भाई मेरा नाम है विक्रांत और मैं दिल्ली से ही हूँ। भाई इन सबको बोलते जय श्री राम सरकार की। भाई जो बाबा जी है ना, इन्होंने ना ये कहते हैं ना कि हिंदुओं को यहाँ कहते हैं, यहाँ से यहाँ ले गए हैं बाबा जी। आपको बता दूँ, ये जो आप आज दिख रहे हैं पहले जी से, ये अब होने लग गया है, अब होने लग गया है जब से हमारे मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं और तीसरे जो ना हनुमान जी, वो हमारे यही बाबा जी। हिंदू लोग सोए हुए थे, मत बनो तुम बनिया, ठाकुर, वाल्मीकि, मत बनो ये सब चीजें, सिर्फ हिंदू बोलो अपने आप। जितने हिंदू बोलोगे ना अपने आप को, आप भाई आप कहता हूँ आप छा जाओगे। हमारी हमारी कथाओं पे हमारे राम उस पे भाई निकलते हैं, भाई तो अद्दे मारते हैं, पत्थरे मारते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, मीरा रोड में क्या हुआ, बहुत कुछ होता है भाई, पर लोग समझ नहीं पा रहे। पर हिंदू अब जागने लग गया है और आगे जागेगा। और सबसे अपील है कि मोदी को वोट दें, उसके बाद योगी को दें, तभी जाके ये हिंदू बच पाएगा, नहीं तो भाई फिर टोपी लगाने की हिंदू बताया जाएगी आपकी। भैया मैं योगेंद्र अग्रवाल, सेवाएं कनौका परिवार का एक कार्यकर्ता। आज बागेश्वर धाम जी की कथा है, उस कार्यक्रम में हमें भंडारा सेवा व्यवस्था, भोजन वितरण की व्यवस्था संभालने का जिम्मा मिला है और हमारे 100 से ज़्यादा वॉलंटियर इस कार्यक्रम को सुबह से देख रहे हैं। यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक बाबा बागेश्वर धाम जी की कृपा से सुबह से निरंतर भंडारा चल रहा है और ये संस्था हमारी जो है इस भंडारे की व्यवस्था को संभाल रही है। और सभी लोग देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर, प्रेमी सभी लोग सुबह से इस तरीके से ही निरंतर भंडारा प्राप्त कर रहे हैं और इस कथा का लाभ भी ले रहे हैं। जय श्री राम। मैं कविता, मैं जनता फ्लैट दिलशाद गार्डन से आई हूँ और हम ये बागेश्वर धाम बाबा के दरबार में आए हैं। बहुत ही भव्य दरबार लगा है और हमने मतलब बाबा के यहाँ पे आके कथा सुनी और ये बहुत ही हमारे लिए मतलब खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि सारे हिंदू इसी तरह जागृत रहे और मतलब जो हमारे गुरु हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सनातियों को जाग रहे हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ सारे हिंदू जो लोग हैं अभी भी जागो और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं ये सब को बोलना चाहती हूँ। जय श्री राम।